डि कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं यू नो वी इन्वाइट यू टू गेट कनेक्टेड विद गॉड सो दैट याइफ कैन चेंज फॉर द बेटर हम आपको न्योता देते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में संपर्क में आइए ताकि आपका जीवन बदलकर एक बेहतर जीवन होते चले जाएं। गॉड इज आवर क्रिएटर एंड ही नोस वॉट इज बेस्ट फॉर आवर लाइफ परमेश्वर हमारे करता है और वो जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है नो द बाइबल वी बिलीव इज वर्ड दैट ही हैज गिवन टू अस हम विश्वास करते हैं कि बाइबल तो परमेश्वर का वचन है जो उसने हमें दिया है दिट्स लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन गॉड हैज गिवन टू मैनकाइंड फॉर हाउ टू लिव ये तो मनुष्य जाति को परमेश्वर ने दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन है ये बताते हुए कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए Because he knows. Uh री गुड फॉर ऑल लाइफ क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है ये प्रभु जान वाई वी स्पीक फ्रॉम बाइबल इन दिस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में इसीलिए हम बाइबल में से बताते हैं जैसे आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं तो आपका ये जुड़े रहना बहुत ही मजबूत होगा मजबूत बने रहेगा वी वॉन्ट यू टू बी स्ट्रेंथ इन योर रिलेशनशिप विद गॉड हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ के आपके संबंध में आप बल प्राप्त करते Giant. You know, we were talking about a very important ingredient of Christian life. हम मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो कि विश्वास है एंड स्पोक अबाउट इन क्रिस्टियन लाइफ और हमने ये भी बताया कि मसीह जीवन में विश्वास क्यों इतना महत्वपूर्ण है इमेजर इज फाउंड इन द बाइबल फॉर क्रिस्टियन फेथ हमने मसीह विश्वास के बारे में बाइबल में जो तस्वीरें दिखती हैं उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की है एंड इन द लास्ट प्रोग्राम वी स्पोक अबाउट द Of faith. और पिछले प्रोग्राम में हमने विश्वास के नाप के बारे में भी चर्चा की है एंड कई बार हम विश्वास का जो नाप है उसकी तुलना मसीह विश्वासी कैसे व्यवहार करते हैं उसके साथ में करते हैं yes, uh, how, how बाइबल पढ़ने में वो कितना समय बिताते हैं uh,

something uh, a matter or a material that you you can measure it in a Pot. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि विश्वास कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ तो नहीं है जिसे हम किसी बर्तन में डालकर नाप सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू नो यू कैन फोर लाइक हाउ यू वाटर दैट उदाहरण के लिए आप किसी बर्तन में पानी डालते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरा विश्वास इस तरह से है मेरे पास पांच सौ मिलीलीटर विश्वास है आई आई डोंट थिंक वी कैन मेजर फेथ लाइक दैट नहीं सोचता कि हम इस तरह से विश्वास को नाप सकते हैं

और हमने अब्राहम के विश्वास पर भी चर्चा की है नोन एज द फादर ऑफ फेथ उसे विश्वास के पिता के रूप में जाना जाता है बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड इन वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्टिशन इन लाइफ क्योंकि उसने अपने जीवन में सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास किया बिकॉज ऑफ फेथ ही विलिंग टू ऑफर आइजक्रीफाइस उसके विश्वास ही के कारण वो इसहा को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार था स्पीक अबाउट मोसेस वी थिंक अबाउट फेथ जब हम विश्वास के बारे में सोचते हैं तो मूसा के बारे में बोलते हैं how he trusted God in leading the people of Israel out from the bondage. बंधन से इस्राएली लोगों को छुड़ाकर उनकी अगवाई करने के लिए उसने किस तरह से परमेश्वर पर विश्वास किया? We think about prophets Elijah, Elisha, the amount of faith they had in the Lord. हम एलिया, एलिशा भविष्यवक्ता के बारे में सोचते हैं कि उनके पास कितना विश्वास था. We think of David and the faith he had and the trust he had in the Lord. और हम दाऊद के बारे में सोचते हैं उसने परमेश्वर पर कितना भरोसा किया. These are people with wonderful faith, great faith. ये तो ऐसे लोग थे जिनके पास में महान विश्वास था एंड आई वांट टू टेल यू टुडे एज़ यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू अ वेरी सिमिलर फेथ व्हिच आई वुड कॉल एज़ द ग्रेट फेथ और आज जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे इसी तरह के महान विश्वास की अपेक्षा करते हैं वो आपसे इसकी अपेक्षा करते हैं वी स्पोक अबाउट मस्टर्ड सीड ऑफ हमने राई के दाने के बराबर का विश्वास इस पर चर्चा की है इज देयर समथिंग कॉल्ड ग्रेट फेथ और क्या सच में ऐसी कोई बात है जिसे महान विश्वास कहते हैं वेल इन द बाइबल वी हैव टू इंसिडेंट्स इन व्हिच जीसस क्राइस्ट सेड यू हैव ग्रेट फेथ खैर बाइबल में ऐसी दो घटनाएं बताई गई हैं जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में महान विश्वास है इन द गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 9 लूका अध्याय 7 वचन 9 में हम देखते हैं व्हेन जीसस हर्ड दिस ही वाज अमेस्ड एट हिम एंड टर्निंग टू द क्राउड

कफरनूह में यीशु से मिलने के लिए आए सुबेदार की यहाँ पर यीशु तारीफ कर रहे थे और व्यक्ति यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी जरूरत को लेकर आया था Jesus, uh, उसने यीशु से कहा कि मेरा जो दास है वो तो झोले का मारा है एंड ही और वो बहुत दुख उठा रहा है एंड ही uh, और वो चाहता था कि यीशु आकर उस दास को चंगाई दे एंड आल्सो है Recommendations from the elders in that area so that Jesus could go and heal his servant. And in that context, Jesus was just about to go to his house. He said, Let me come. And heal your servant. And at that time, the centurion expressed a kind of faith which is so very unique and great and special, where he said, Lord, I am not worthy for you to come into my house. You say a word. देन माई सर्वेंट विल बी ही और तब सुबेदार ने वहाँ पर यीशु से इस तरह से कहा कि हे यीशु हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए बस तू वचन कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा एंड ही और इस बात का उदाहरण देते हुए उसने इस तरह से कहा कि बहुत से लोग मेरे वश में हैं या कहिए मेरे अधिकार में हैं। 100 people, पीपल soldiers are under me. सौ सिपाही मेरे अधीनता में हैं। अगर मैं किसी को जाने के लिए कहूँ तो वो जाता है किसी को आने के लिए कहूँ तो वो आता

वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया where Jesus was going and doing ये तो के के आसपास क्षेत्र थे, जहां पर जाकर सेवकाई healing and help. और वहां पर एक कनानी स्त्री यीशु के पास में आई थी कि यीशु उसकी मदद कर सके प्लीज हील हर उसने यीशु के पास आकर यीशु से कहा कि यीशु मेरी बेटी दुष्ट आत्मा के द्वारा सताई जाती है कृपया करके उसे चंगाई दे एंड जीसस डिड नॉट केयर अबाउट हर और यीशु ने उसकी कोई परवाह नहीं की ही केप्ट ऑन वॉकिंग वो तो चलते चले गए बट शी कंटिन्यूड आस्किंग लेकिन ये स्त्री निरंतर यीशु से इस तरह से मांगती रही एट व्हाट वन मोमेंट जीसस सेड आई वाज सेंट ओनली टू द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल और एक समय पर यीशु ने इस तरह से कहा कि मैं तो केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए

With your faith. मेरे दोस्तों मैं मसीह विश्वास के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ ऑफ व्यूइंग प्रोग्राम नॉटर फेथ इन जीसस क्राइस्ट मैं निश्चित नहीं जानता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को देखने वाले दर्शकों ने कितने लोगों ने यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है बट आई वॉन्ट अबाउट इफ यू आर अ बिलीवर इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट

ब्लड ही शेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी वही परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करते हैं हमारी सारी परेशानियों से हमें बचाते हैं हमारे पापों से हमें बचाते हैं क्रूस पर बहाए अपने लहू के द्वारा

Great faith is found in unexpected people. पहले कि जो महान विश्वास है, वो ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनके बारे में कोई अपेक्षा नहीं की जाती है Who are the people this faith came from? जिन लोगों में ऐसा महान विश्वास था वो लोग कौन थे A Roman centurion। वो तो एक रोमी सुबेदार व्यक्ति था

पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो ऐसे लोगों से आया जिससे यीशु ने अपेक्षा ही नहीं की थी क्या ये बात आज भी सच नहीं है क्या सच में ऐसा विश्वास उन लोगों के जीवन से आता है जिन्होंने अलग अलग पृष्ठभूमि से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है मसीह यीशु में उनका जो विश्वास है वो तो अटल होता है

क्रॉस्ड ऑल द बैरियर उसके पास जो विश्वास था वो सारी सीमाओं के पार का था एंड ही केम ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस टू सी जीस और वो तो यीशु से मिलने के लिए वहां पर बहुत दूरी की यात्रा करके आया था and he's uh, coming from a different group of people who did not believe in jesus's power as a lord और वो तो अलग-अलग समूह से आया था जो यीशु के ऊपर प्रभु के रूप में विश्वास नहीं करते थे and uh, he was coming with the need of incurable disease that his servant was having वो सुभेदार जो था वो तो अपने दास की असाध्य बीमारी के लिए यीशु के पास में आया था even the Canaanite woman you can see she continuously asked jesus आप कनानी स्त्री को ही देख लीजिए वो तो निरंतर यीशु से मांगते जा रही थी never gave up. उसने हिम्मत नहीं हारी आई वॉन्ट टू टेल यू दिस काइंड ऑफ अ फेथ इज वॉट गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड मी टूडे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के विश्वास की परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है How much of faith we have. हमारे पास कितना विश्वास है Think about that as we take a brief break for music. You may be wondering why this person is stressing on faith so much. आप सोच रहे कि ये व्यक्ति विश्वास पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है we were talking about great faith. That is found in unexpected areas and people. And I said, even today, practically looking at places where faith is expressed and faith is found, you will.

तो निश्चय ही सारी सीमाओं के पार जाकर की बातों को पाता है had, हम इस विश्वास को इन दोनों घटनाओं में देखते हैं, सुबेदार के साथ की घटना में और साथ ही इस कनानी स्त्री की घटना में भी यीशु के द्वारा हम देखते हैं एंड इंपॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ दिस इन दोनों से हम दूसरा महत्वपूर्ण पाठ जो सीख सकते हैं वो तो ये है ग्रेट फेथ रिवील ट्रू ह्यूमिलिटी महान विश्वास जो है वो तो सच्ची नम्रता प्रकट करता है you know, passages, जब आप के इन दो भागों को देखते हैं देथ ऑफ देंटूरियन इज एक्सप्रेसिंग दी इज हैविंग इन पावर इन द वर्ल्ड बट ही इज नॉट वर्दी

जबकि शुरू में कनानी स्त्री की उस बात की यीशु यीशु ने ध्यान नहीं दिया। She was begging on to Jesus continuously. वो तो निरंतर से मानो बिंती कर रही थी, रही थी, थी। भीख मांग लेकिन उसने अपनी बिन्ती को ऐसे ही नहीं छोड़ा एंड जीसस इट इज द चिल्ड्रन टू थ्रो टू डॉग्स और जब यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी उठाकर कुत्तों को डालना ये सही नहीं है टेबल द डॉग विली उसने खुद को नम्र किया और कहा की हे प्रभु सच है लेकिन स्वामी की मेज से जो चूर चार गिरती है उसे कुत्ते खाते हैं माइ डियर फ्रेंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन यू हैव टू सी बिटवीन िटी मेरे दोस्तों ये तो सच में बहुत ही बड़ा संबंध है जो हमें यहाँ पर देखना है जो कि विश्वास और नम्रता के बीच में है हंबल देमसेल्व्स ये ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और वो खुद को नम्र करने के लिए तैयार होते हैं एंड दैट इज अ क्वालिटी ऑफ फेथ और यही तो विश्वास की उत्तमता होती है

mighty and gracious to them तो आपको उन पर दया करनी है आपको उन पर अनुग्रह करना है you know god says uh, the quality of uh, the uh, gentiles is that they lord it over others और देखिए यहाँ पर यीशु ने कहा कि अन्य जातियों की जो विशेषता है वो ये है कि दूसरों पर प्रभुता करना चाहते हैं in the gospel of matthew chapter 20 verses Uh, 25 to 28, let me read it for you. Jesus called them together and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. पास कहा, तुम जानते कि होगा परंतु जो कोई में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की के, के लिए द अबाउटिंग ओवर देखिए ये वचन का कितना महान भाग है जो यहाँ पर बताता है कि अन्य जाति यही चाहती है कि दूसरों के ऊपर प्रभुता करते जाए जिस इजिंग Now you belong to the faith community. Believe in me. Therefore, you reveal your humility in faith. I believe the humility of the centurion and also the humility of the Canaanite woman really, really impressed Jesus, which is very much a part of their faith life. and finally, i want to tell you that this great faith or small faith for jesus to work in your life, this is a wonderful, wonderful thing. god works miracles. god works wonders in your life and my life, even if we have little faith or great faith. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा विश्वास हो या छोटा विश्वास हो परमेश्वर निश्चय ही हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में महान काम करना चाहते हैं you know, friends, Bible. दोस्तों बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण दिए हैं वेरी ऑफन लिटिल फेथ यीशु के चेलों में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ही कम विश्वास था Or oh, they were traveling in a ship or boat. Lots of winds. Waves came up. They were frightened and crying out for their life. Matthew 8 26, Jesus says, He replied, You of little faith, why are you so afraid? ने उनसे कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो तब उसने उठ कर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया स्तर वचन कहता है माइ डियर फ्रेंड्स ओनली वन इंसिडेंट बट जीस स्पोक अबाउटल फेथ इन सो मेनी प्लेसेस दोस्तों ये तो केवल एक घटना है लेकिन यीशु ने कई जगह पर अपने चेलों में बहुत ही कम विश्वास है इस तरह से कहा था इन द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू फोर्टीन थर्टी ही रीच आउट एंड कॉट पीटर्स एंड फुल्डम अप you of little faith why did you doubt मत्ती 14:31 यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया और उससे कहा हे अल्प अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया इस तरह यीशु ने पतरस से कहा and i want to tell you today and as i conclude और आज संदेश के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं what is your faith आपका विश्वास क्या है is it small as mustard seed क्या वो राई के दाने के जितना बहुत ही छोटा है और डोंट वरी तो फिर चिंता मत कीजिए right आपने उसे सही व्यक्ति में रखा है like क्या सच में महान विश्वास है जैसे कि सुबेदार का था और उसका नानी स्त्री का था इट्स फाइन स्टिल तो फिर भी ठीक है गॉड हेल्प्स फॉर बोथ द ग्रुप ऑफ पीपल फेथ और

God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष दे। Study the word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number